हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने चैनल पर मैं अजय आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पोको X5 5G के बारे में, जो कि दिसंबर में लॉन्च होने वाला था, और वही दिसंबर में ही आसपास या जनवरी तक पोको X5 Pro भी लॉन्च होने वाला है। ये गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन होने वाला है अंडर 20,000 में। तो आइए चलिए बताते हैं मैं इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले मैं डिस्प्ले के बारे में बता दूँ, अंडर 20,000 आएगा तो इसमें IPS पैनल होने वाला है। इसमें आपको एमोलेड पैनल नहीं मिलेगा, जबकि पोको का X5 5G है वो एमोलेड पैनल के साथ में आएगा। जबकि ये जो है पोको का X5 Pro, इसमें IPS वाला 120 हर्ट्ज या फिर 144 हर्ट्ज का आपको इसमें पैनल मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें जो प्रोसेसर रहने वाला है वो तगड़ा वाला है, 782G वाला, जिससे आप आसानी से अच्छे गेमिंग कर सकते हैं। इसमें काफ़ी बहुत कैपेबल प्रोसेसर होगा, तो बहुत बढ़िया से आप गेमिंग कर पाएंगे, और काफ़ी बढ़िया और एडवांस प्रोसेसर रहेगा। यानी कि जो 778 प्रोसेसर था ना, उसका ही अपग्रेड है ये। बैटरी की बात कर लें तो बैटरी में आपको 5000 mAh वाली बैटरी मिल जाएगी, टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा। कैमरा जो है पीछे ट्रिपल होगा, जिसमें 50+8+2 यानी कि 50 MP का मेन सेंसर, 8 वाला अल्ट्रा वाइड और 2 वाला मैक्रो सेंसर आपको इसमें मिल जाएगा। फ्रंट में आपको 16 MP वाला फ्रंट सेल्फी मिल जाएगी, और जो इसमें चार्जर दिया जाएगा वो 67W का होगा, और जो भी इसमें स्पीकर्स हैं वो काफ़ी डॉल्बी वाले होंगे, स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप होगा, बढ़िया लगेगा। और USFS का यानी UFS वाला 3.1 स्टोरेज मिलेगा, यानी काफ़ी फास्ट स्टोरेज होगा ताकि गेमिंग में कोई दिक्कत ना हो। LPDDR5 रैम मिल जाएगी, एंड्रॉयड 13 और MIUI 14 के ऊपर ये आने वाला है। अंडर 20 की है तो काफ़ी अच्छा है। आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्या आप इस तरह के फ़ोन को लेना चाहेंगे या आप इसमें कोई और सुधार चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों।